हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम नेक की और शोल्डर की फिनिशिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। नेक की फिनिशिंग के लिए हमें कैनवास पेपर लेना है और जितना भी हमारा हाइट है, नेक का हाइट है, उससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। कैनवास पेपर के ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है। जितना भी शोल्डर हमारा है उतना शोल्डर हमें मार्किंग कर लेना है। और अगर आपका नेक का डिज़ाइन कोई अलग है तो आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नेक का मार्किंग वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर सिंपल नेक, राउंड नेक है। इसके लिए हमें राउंड नेक में मार्किंग कर लेना है, जैसे कि वीडियो में बताया है। जितना विड्थ हमारा नेक का है उतना विड्थ हमें रख लेना है और 1 या 1.5 इंच के ऊपर हमें फिर से नेक का मार्किंग करके कैनवास पेपर को कट कर लेना है। जैसे कि हमने वीडियो में बताया है, सेम उसी तरह से आपको मार्किंग कर लेना है, जिससे कि हमारे नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छे से और परफेक्ट तरीके से आएगी। अगर आप कैनवास नहीं लगाते तो नेक का शेप बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है और अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको 1 इंच गैप रखते हुए आपको कैनवास पेपर को कट कर लेना है। लेकिन आप हमेशा ये गलती कर लेते हैं कि कैनवास पे कट करते समय आप पूरा नेक का कटिंग करते हैं, तो हमें पूरा नेक का कटिंग नहीं करना है। जितना हमारा नेक है उधर से हमें 0.5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ से ही कट कर लेना है, जैसे कि वीडियो में बताया है। इससे हमारा क्या होगा, नेक का जितना भी मेजरमेंट है उसी तरह से या सेम उतना ही मेजरमेंट आएगा। कुछ एक्स्ट्रा आपको गैप नहीं दिखाई देगा। इसके वजह से हमें बीच में पट्टी कैनवास पेपर कट नहीं करना है। और कैनवास पेपर कट करने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर उसको पेस्ट कर लेना है, जैसे कि हमने वीडियो में बताया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हमें साइड से अंदर की तरफ कॉर्नर में एक स्टिच लगा लेनी है, जैसे कि वीडियो में बताया है। उस तरह से आपको अंदर की तरफ से एक स्टिच लगा लेनी है, जिससे कि हमारा कैनवास पेपर का एक्स्ट्रा जो जितना भी फैब्रिक है उसका फिनिशिंग एकदम अच्छे से आए। देख सकते हैं आप, जैसे वीडियो में बताया है सेम उसी तरह से आप अगर आप फिनिशिंग करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छा से आएगा। एक्स्ट्रा नेक को हमें फोल्ड करके बीच में से एक कट लगा लेना है, जिससे कि हमारा जो भी सेंटर है उसका हमें मार्किंग मिल जाएगा। सेंटर को हमें सेंटर पर रख के एक स्टिच लगा लेनी है। डायरेक्ट स्टिच करने में अगर आपको प्रॉब्लम आता है या अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पहले पिन से सिक्योर कर सकते हैं। पिन्स लगाने के बाद हमें जितना भी हमारा कैनवास है वहाँ से हमें कॉर्नर पे स्टिच लगा लेनी है, जैसे कि वीडियो में बताया है। इससे हमारा क्या होगा, नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगा और ज़रा भी नेक का शेप बिगड़ेगा नहीं। इसलिए हमें कैनवास पेपर एक्स्ट्रा से लगाना पड़ता है। अगर आप कैनवास पेपर अच्छे से लगाते हैं तो नेक का फिनिशिंग बहुत अच्छे से आता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपके फ्रेंड्स में कोई स्टिचिंग सीख रहा है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करना। आपको पहले नेक में बीच में जो कपड़ा एक्स्ट्रा आता है उसको पहले कट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फैब्रिक को कट करते हैं तो नेक का फिनिशिंग या शेप बिगड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप नेक को स्टिच करने के बाद जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको कट कर लेना है, जैसे कि वीडियो में बताया है। उससे जितना भी जो भी हमारा सेंटर है सेंटर से सेंटर मैच हो जाएगा और शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हमें जितना भी कर्व शेप है वहाँ से हमें अंदर की तरफ नॉच लगा लेनी है और ऊपर से हमें प्रेस स्टिच लगा लेनी है, जिससे नेक का फिनिशिंग और अच्छे से आएगा। जितना भी हमारा अंदर का फैब्रिक या कैनवास पेपर रहता है उसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करके हाथ से या सादी नीडल से हमें हेमिंग कर लेना है। देख सकते हैं आप, नेक का फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आया है। स्टिच करने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर से और एक प्रेस स्टिच लगा सकते हैं। अगर आपको प्रेस स्टिच नहीं लगाना है तो आप प्रेस करके भी उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। अभी शोल्डर में फिनिशिंग के लिए बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। गलती क्या है कि दोनों शोल्डर आपस में मिला के हम स्टिच कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, जिससे हमारा स्टिच करने के बाद अंदर से शोल्डर कच्चा रह जाता है या फिनिशिंग में नहीं दिखता है। आप देख सकते हैं इस तरह से सारे टेलर्स या जो भी बिगिनर्स है
वो स्टिच करते हैं, लेकिन आपको सही तरीका मैं अभी बताती हूँ। दोनों शोल्डर को हमें आपस में जॉइन कर लेना है, लेकिन कैनवास को हमें जितना भी हमने कैनवास लगाया है उसको बैक का पार्ट है उसको ओपन रखते हुए और फ्रंट का पार्ट हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिच ऊपर की तरफ से ले लेना है और एक स्टिच लगाना है जिससे कि हमारा बैक अंदर की तरफ फोल्ड होके पूरा फिनिशिंग हो जाता है। आप देख सकते हैं शोल्डर और नेक हमारे कितने अच्छे से फिनिशिंग हो चुका है। इस तरह से आप फिनिशिंग करते हैं तो नेक का बिल्कुल सही जो शेप है वो आता है और शोल्डर में भी कच्चा नहीं रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।